हालेलुया, स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरोला जी के द्वारा लिखा गया है। अभिषेक आपकी सुरक्षा करता है, जैसा कि भजन संहिता अध्याय 89 उसकी 20 आयत में लिखा है, मैंने अपने दास दाऊद को लेकर अपने पवित्र तेल से उसका अभिषेक किया है। मेरे प्रियो, जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में आता है तो वो अभिषेक को लेकर आता है। बाइबल कहती है कि मैंने पवित्र तेल से दाऊद का अभिषेक किया, मेरा हाथ उसके साथ बना रहेगा और मेरी भुजा उसे दृढ़ रखेगी, और मैं उसके बैरियों को शर्मिंदा करूंगा और उन पर विपत्ति डालूंगा, क्योंकि मैंने पवित्र तेल के साथ दाऊद का अभिषेक किया है। अभिषेक की एक खासियत है कि जब वो एक व्यक्ति की जिंदगी में आता है तो वो उसके लिए एक सुरक्षा कवच बन जाता है और वो बैरियों का बैरी बन जाता है। चाहे आप किसी के बैरी नहीं हैं, लेकिन जो आपको खत्म करना चाहता है तो वो उसका बैरी बन जाता है। मेरे प्रियो, आज कौन है जो निराश है और टूटा हुआ है, जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा का अभिषेक नहीं है, और जो परमेश्वर के अभिषेक की ताकत को नहीं समझता कि अभिषेक के कारण तेरा हर एक जुआ तोड़ नहीं बल्कि नाश कर दिया जाएगा। तोड़ने का मतलब है रस्सी को तोड़ दिया, और उस टूटी हुई रस्सी को आप फिर से जोड़ सकते हैं, लेकिन नाश करने का मतलब है रस्सी को जलाकर राख में बदल देना। परमेश्वर ने कहा, मैं तेरा वो जुआ, चाहे वो बीमारी का हो, बोझ हो, परेशानियां हो, कलेश हो, दुष्ट आत्मा हो, उसे मैं अभिषेक के कारण नाश कर दूंगा। और अभिषेक तभी आपके जीवन में आता है जब आप पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता रखते हैं। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 1 उसकी 21 आयत में लिखा है, और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है और जिसने हमें अभिषेक किया वही परमेश्वर है। जब आप मसीही बनते हैं तब आप अभिषेक किए जाते हैं, तब आप पाप को, व्यभिचार को, नशे को, चोरी को, भ्रष्टाचार को छोड़ते हैं, क्योंकि आप जान चुके हैं कि अब आप अभिषेक कर दिए गए हैं। परमेश्वर अभिषेक सबको एक जैसा देता है, लेकिन उसमें बढ़ते वही हैं जो पाप से दूर रहते हैं और वफादार रहते हैं। आज बहुत से लोग अभिषेक में नहीं बढ़ पाते क्योंकि वो पाप को नहीं छोड़ते, जिसके कारण वो शैतान के अटैक के नीचे आते हैं और उन्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। इसीलिए मेरे प्रियो, आज आपका असली मकसद अभिषेक में लगातार बढ़ने का होना चाहिए, तब ही आपके जुए नाश होंगे और आप आशीषित होंगे। आमीन। आइए इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि मैं लगातार अभिषेक में बढ़ूंगा और पवित्रताई में रहूंगा। आप मुझे अनुग्रह दें, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करें। आमीन।